तो ये है हमारा इप्सन का L3110 प्रिंटर, जो कि मल्टीपर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें प्रिंट कॉपी स्कैन जो है इसमें हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स देखने को मिलेगा आप लोगों को जब आप लोग परचेस कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ चार इसमें इंक की बोतल दी जाएंगी इसी प्रिंटर के साथ में। और यहाँ पे इसका जो लुक है देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन को जो है मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आप लोगों को प्राइस देखने को मिल जाएगा 11,899। ये लगभग हमको 10,500 रुपये का ऑफलाइन परचेस किया था तो वहाँ पे मिला था। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, कैंची की सहायता से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने कर दिया इसको अनबॉक्स। तो सबसे पहले इसके साथ क्या क्या मिलता है वो आप लोगों को हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसके साथ जो है एक DVD ड्राइवर जो मिलता है, जिसको प्रिंट करता है, जिसे लैपटॉप या डेस्कटॉप में इसको इंस्टॉल कर लिया जाता है, जिससे फ़ोटो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना होता है तो सीधा लैपटॉप से प्रिंट करते हैं, तो उसमें ये ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं तभी जाके प्रिंट होता है। और यहाँ पे चार बोतल जो है इसकी इंक साथ में इसके दी जाती हैं, वो भी फ्री, इसका कोई चार्जेस नहीं पड़ता है। जो कि इसमें 003 की इंक होती है, ये लगभग 300-400 के अंडर में एक बोतल इंक की मिलती है, और ब्लैक जो है वो लगभग 280 रुपये की मिलती है। और इसकी जो पावर सप्लाई केबल इसके साथ मिलती है, और एक USB केबल मिलती है, जिससे फाइल प्रिंट फाइल जो है ट्रांसफ़र की जाती है। और यहाँ पे USB केबल दी हुई है, जिससे प्रिंट करते हैं तो इसी में प्रिंट जाता है। यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं अनबॉक्स, इसकी झिल्ली को जो है हटा देते हैं। जब आप इसको फर्स्ट चक्कर लेके आते हैं तो इसमें बहुत सारे टेप लगे होते हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं कितने सारे इसमें टेप लगे हुए हैं। टेप इसमें इसलिए लगे होते हैं कि अगर ये गिर भी जाए तो इस पे कोई फ़र्क न पड़ेगा, और कोई भी जो इसकी बॉडी है इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए इसमें टेप लगा दिया जाता है। बारी बारी करके सभी टेप्स को इसमें हटा देते हैं। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि ज़्यादा वीडियो जो है लंबी ना होने पाए। यहाँ पे इसकी जो बोतल्स होती हैं
जो कलर जिसमें का है उसी में डालना है, और अदरवाइज अगर जो लाल है उसको अगर येलो में डाल लें तो प्रिंट जो है आपकी सही नहीं आएगी। तो याद रखिए कि इसमें जो कलर है जिसमें का जो कलर है उसी में डालना है कलर। तो कलर जो हैं हमारे कुछ इस तरीके के मिलेंगे, सबसे पहला ब्लैक, येलो, फिर मैजेंटा, फिर सियान। तो सबसे पहले हम डालते हैं ब्लैक कलर को, तो सबसे पहले ब्लैक कलर को इसमें डाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो ब्लैक कलर है वो धीरे धीरे इसमें चढ़ रहा है। अब येलो कलर को इसमें डालते हैं। अगर आप कोई नया प्रिंटर लाते हैं किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, अगर आप हमारा वीडियो पूरा देखते हैं, समझते हैं और आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी प्रिंटर को, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि अच्छे से समझ में आए, फिर बाद में कोई आपका डाउट ना रहे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वॉच करना। यहाँ पे थोड़ी इंक बच गई है तो इसको हम बाद में डाल लेंगे। यहाँ पे मैजेंटा कलर को डालते हैं। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपके प्रिंटर में आ रही तो उससे संबंधित कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कर देंगे तो हम देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों या रिलेटिव को, ताकि प्रिंटर इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो उनको, और वो इमरजेंसी में इंस्टॉल कर सकें अपने हाथ से। वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल की सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें, और कुछ ऐसी ही वीडियो आप तक आती रहेंगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में आप लोगों को कोई चार्जेस नहीं पड़ेगा, तो प्लीज़ फ्री है लाइक करना, तो लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे अब हमको जब प्रिंटर हमारा ऑन हो जाएगा तो जो कैंसिल बटन है जिसमें रेड लाइट अभी जलेगी, तो यहाँ पे रेड लाइट आ चुकी है। अब इसको हमको 5 मिनट तक प्रेस करे रहना है या फिर 5 सेकेंड तक करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रिंटर में आवाज़ आनी चालू हो जाएगी कि प्रिंटर का हेड जो है उसमें इंक जाने लगेगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं लगभग 5 मिनट तक, क्योंकि इंक चढ़ाने में थोड़ा समय लगेगा, और उसके बाद हमारा प्रिंटर जो है रेडी हो जाएगा प्रिंटिंग के लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समय वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबी ना होने पाए। अगर आप लोग
प्रिंटर को परचेस करना चाहते हैं जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए, जैसे उसमें प्रिंट, कॉपी, स्कैन अगर करना हो तो 5 प्रिंटर ऐसे हैं जो हम उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आप लोग आसानी से परचेस कर सकें और होम डिलीवरी जो है फ्री रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि इसमें इंक जो है फिल हो रही है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा जो है इंक, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कितनी कम हो चुकी है क्योंकि जो पाइप में है वो इंक जाती है सीधा हेड में, तो इसका जो प्रिंटर का हेड है उसमें थोड़ी इंक स्टोर होती है। अब इसमें कि जितनी जो इंक गई है वो पाइप में और इसके हेड में जो थोड़ा स्टोर, ताकि अब इसकी हमको प्रिंट क्वालिटी चेक करना है कि प्रिंट कैसा आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे हम इसको बंद कर दिए हैं, फिर से इसको अब ऑन करते हैं। अब यहाँ पे हमारा प्रिंटर जो है 10 सेकंड में ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमारा ऑन हो चुका है प्रिंटर। अब ट्राली को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें कोई भी स्कैन, मतलब इसमें कोई भी एक पेपर रख दीजिए जिसमें कुछ लिखा हो, इसकी हम प्रिंट क्वालिटी चेक करने वाले हैं। यहाँ पे कोई एक पेपर जिसमें कुछ लिखा हो उसको स्कैन करते हैं और फोटोकॉपी वाले पेपर जो है लगा देते हैं इसमें और देखते हैं इसमें क्वालिटी कैसी आती है। तो यहाँ पे हमने फोटोकॉपी वाली जो पेपर्स होती हैं उसको लगा दिया है। अब प्रिंट कमांड जैसे ही इसमें ब्लैक एंड वाइट वाला प्रिंट कमांड देते हैं, यहाँ पे पेपर जो है अंदर ले लिया है। अब यहाँ पे हमारा छप के आ चुका है और इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी डार्क है। आप लोग देख रहे हैं कितनी डार्क क्वालिटी है और कितनी अच्छी क्वालिटी है।